तो आ गए दोस्तों, आप लोग आइए। फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ पीपीएफ के बारे में दोस्तों। आप अपने बच्चे के नाम का पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो खुलवा सकते हैं। इसके लिए बस आपको 10 बातें ध्यान रखनी है खुलवाते समय। और जब चलता रहता है ये अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट जब तक चलता रहता है तब तक आपको ये 10 बातें हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले बता दूँ, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकॉन बटन दबा दो जिससे कि भर्ती के विज्ञापन और लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो दोस्तों कोई भी है वो अपने बच्चे के नाम से, माइनर के नाम से पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, चाहे गार्जियन हो, वो पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। 100 रुपये से अकाउंट खुलेगा, लेकिन आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 500 रुपया भरना पड़ेगा और टोटल मैक्सिमम 1.5 लाख तक ज़्यादा भर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख तक की रकम आप भर सकते हैं बच्चों के अकाउंट खुलवाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अकाउंट खुल सकता है, इसके लिए पहली बात थी। अब आते हैं दूसरी बात। अगर इफ़ द गार्जियन पेरेंट ऑलरेडी हैज़ अ पीपीएफ अकाउंट इन हिज नेम, रिमेंबर दैट द मैक्सिमम अमाउंट डेट कैन बी डिपोजिटेड इन द गार्जियन पेरेंट अकाउंट इंक्लूडिंग चाइल्ड अकाउंट इज ₹1.5 लाख। अगर माता या पिता का किसी का पीपीएफ अकाउंट है और बच्चे का भी अकाउंट खुलवाता है पीपीएफ अकाउंट, तो दोनों का मिलाकर, मतलब बच्चे का और माता पिता का भी मिलाकर, मैक्सिमम सीलिंग लिमिट जो है 1.5 लाख रुपये है। 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा आप नहीं भर सकते, आपको इस पर रिबेट भी नहीं मिलेगा और बाद में अगर पकड़े जाते हो तो आपकी कार्रवाई हो सकती है। तो ध्यान रखना, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये की लिमिट है आपके और आपके बच्चे का, दोनों का अकाउंट मिलाकर, दोनों में मैक्सिमम मिलाकर 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं भर सकते। 1.5 लाख रुपये से कम आप भर सकते हो। हो सकता है आप बच्चे के अकाउंट में 50,000 भर दो, अपने अकाउंट में 50,000 भर दो पूरे फाइनेंशियल ईयर में, ऐसा आप कर सकते हैं। अगला है दोस्तों तीसरा नंबर, इफ़ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द माइनर्स पीपीएफ अकाउंट इज फ्रॉम द इनकम ऑफ द पेरेंट गार्जियन इंक्लूड इट अंडर सेक्शन 80C। जैसे कि बताया इससे पहले वाले में, जो बच्चे का आप पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं, अगर आप अपनी सैलरी से उसमें पैसे भरते हैं, अपनी पगार में से, अपने मेहनत के पैसे में से उसमें पीपीएफ अकाउंट में पैसे भरते हैं, तो आप उसका रिबेट 80C के अंडर ले सकते हो। इसीलिए दोस्तों ये प्रावधान भी रखा गया है कि 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा दोनों का मिला के नहीं हो सकता ये, क्योंकि 80C में सिर्फ 1.5 लाख का मैक्सिमम है और इसीलिए पीपीएफ में भी 1.5 लाख रुपये रखा गया है। चौथा नंबर पर आते हैं, वेन द माइनर टर्न्स 18 एन एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड टू चेंज द स्टेटस फ्रॉम माइनर और मेजर, द ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट कैन बी हैंडल बाय हिम और हर। अगर बच्चा जो है, छोटा बच्चा 18 साल का हो जाता है, एक एप्लीकेशन उसे लिया जाता है और उसके जो अकाउंट है उसको माइनर से मेजर टर्न कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, माइनर से मेजर में बदल दिया जाता है और उसको वो सिंगल हैंडेड ऑपरेट कर सकता है। बच्चा जो अभी बड़ा हो गया है वो सिंगल हैंडेड ऑपरेट कर सकता है, इसके लिए उसको पैन कार्ड बनवाना आवश्यक रहेगा। अगला है दोस्तों, द डिपॉजिटर कैन सबमिट ए रिवाइज एप्लीकेशन अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एंड द सिग्नेचर ऑफ द डिपॉजिटर हु हैज बिकम मेजर शैल बी अटेस्टेड ऑन द रिविजन ऑन द रिवाइज एप्लीकेशन फॉर्म बाय द गार्जियन हु ओपन द अकाउंट। तो दोस्तों इसके लिए बताया किस तरह कर सकता है, उसको सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे दोस्तों। कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, ये सब डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे और एक एप्लीकेशन भी देनी पड़ेगी जिसमें डिपॉजिटर के सही होंगे और उसमें वो लिखा होगा कि मैं मेजर हो गया हूँ। साथ में वो एप्लीकेशन फॉर्म है गार्जियन से, जो जिन्होंने अकाउंट खुलवाया था बच्चे का, उनकी भी सही चाहिए। अकाउंट खुलवाते समय जिन्होंने जो गार्जियन थे, जो माता पिता थे, उनकी भी सही चाहिए। तो इस तरह से एक एप्लीकेशन फॉर्मेट होता है, उसमें बच्चे की भी सही होता है, सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, माता पिता की उसमें उनकी आज्ञा ली जाती है, उनसे परमिशन ली जाती है टर्न करने के लिए कि बच्चा अब ऑपरेट कर पाएगा। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो लेकर आप उसको मेजर में टर्न कर सकते हैं। अगला है, अ डिपॉजिटर कैन मेक पार्शियल विड्रो फ्रॉम पीपीएफ अकाउंट स्टार्टिंग फ्रॉम द 7th ईयर इफ़ द विड्रॉल इज थॉट टू बी मेड फ्रॉम द माइनस पीपीएफ अकाउंट, अगर गार्डियन हैज मेक अ डिक्लेरेशन दैट द मनी इज रिक्वायर्ड फॉर द यूज ऑफ माइनर। तो पीपीएफ में जैसे प्रावधान है कि 7वें साल के बाद आप उसमें से पैसा निकाल सकते हो, तो अगर माइनर के अकाउंट में से उसके माता या पिता पैसे निकालते हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट देना होगा कि हम जो पैसे निकाल रहे हैं वो बच्चे के इस्तेमाल के लिए ही निकाल रहे हैं, या बच्चे की फ़ीस भरनी है, बच्चे का ये करना है, या बच्चे के लिए ये करना है। तो उनके लिए कोई लीगल उनके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो पैसे निकाल रहे हैं, तभी वो निकाल पाएंगे। आगे है दोस्तों, इन स्पेसिफिक केस द डिपॉजिटर कैन सीक द टू क्लोज द पीपीएफ अकाउंट ऑफ ए माइनर ऑफ होम ही इज अ गार्जियन।
कुछ केसेस में वो बच्चे का जो माइनर अकाउंट है उसके गार्जियन बंद करवा सकते हैं, पीपीएफ अकाउंट बंद करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी और जहाँ पीपीएफ अकाउंट खुलवाया वहाँ जाके एक एप्लीकेशन फॉर्मेट लेना पड़ेगा। आगे, द रिक्वेस्ट कैन बी मेड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स ऑन ग्राउंड डेट द अमाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द अकाउंट होल्डर ऑन प्रोडक्शन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी। तो इससे केस में जो मेडिकल अथॉरिटी है उन्हीं से सर्टिफिकेट लेकर कि भाई उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, ऐसा सर्टिफिकेट डॉक्टर साहब देंगे और उस सर्टिफिकेट को साथ में लगा कर आप पीपीएफ अकाउंट बच्चे का बंद करवा सकते हो, वो भी कब 5 साल के बाद। 5 साल पहले उसको आप बंद नहीं करवा सकते किसी भी हालत सूरत में, ठीक है। दूसरा एक और प्रावधान है दोस्तों, 5 साल बाद बंद करवाने का, कब बंद करवा सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए बच्चे की ज़रूरत हो तो भी आप बंद करवा सकते हैं, हालांकि मैंने बोला किसी भी सूरत में। तो ये 2 सूरतें हैं दोस्तों, मेडिकल ट्रीटमेंट और हायर एजुकेशन, वो भी बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए अगर पैसे की ज़रूरत है, माँ बाप के पास पैसे नहीं है तो वो इसको बच्चे पीपीएफ अकाउंट को बंद करवा सकता है। लोन्स फ्रॉम द माइनस पीपीएफ अकाउंट आर अलाउड प्रोवाइडेड द गार्जियन मेक्स ए डिक्लेरेशन दैट द मनी इज रिक्वायर्ड। फिर से वही बात आती है दोस्तों, लोन भी होती है पीपीएफ से वो भी मिल सकती है, लेकिन माता पिता को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि जो लोन ले रहे हैं वो बच्चे की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों ये 10 बातें, अगर आप बच्चे के नाम का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो खुलवा सकते हैं। उसके लिए आपको ये बातें 10 बातें हमेशा याद रखनी पड़ेगी, वो इसलिए क्योंकि आप गार्जियन हो, आप बच्चे के माता पिता हो, आप ऑपरेट कर सकते हो, बच्चा कितने साल का भी हो चलेगा, आप उसको अकाउंट खुलवा सकते हो पीपीएफ अकाउंट। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ में घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। जय हिंद दोस्तों।